उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने वहां की कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, साथ ही चर्चा में रहती है। इसका कारण है कि अब किसी भी मामले में एक्शन जल्द देखने को मिलता है। पहले लोगों के मन में अपराधियों और माफियाओं को लेकर खौफ का माहौल था, लेकिन अब यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद न्याय पाने की उम्मीद जाग गई है, क्योंकि सीएम योगी एक्शन ने सबके मन में न्याय पाने के विश्वास पैदा की है। खास बात तो यह है कि राज्य की पुलिस जब भी अच्छा काम करती है तो उनकी सराहना की जाती है, लेकिन काम में कोताही अगर कहीं भी दिखाई दी तो बैठक कर अधिकारियों को सीएम योगी कड़ी फटकार भी लगाते रहते हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस भी एक्शन मोड में रहती है। वहीं लगातार हो रहे एनकाउंटर से अपराधियों में भी दहशत का माहौल कायम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी यूपी में हुए एनकाउंटर की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीएम योगी के आदेश पर पुलिस का एक्शन, मासूम के हत्यारे का पुलिस ने किया एनकाउंटर, बुलंदशहर में कार चोर गैंग गिरफ्तार, दो शातिर बदमाशों को मारी को। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ज्यादातर मौके पर राज्य के अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हैं। साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर कोई भी गलती करोगे तो सजा जरूर मिलेगी, कोई भी बच नहीं पाएगा। कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने बदमाशों शोधों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब किसी ने बहन बेटी को छेड़ने की कोशिश की, लूट मचाने की कोशिश की, बदमाशी की, तो वो बच नहीं पाएगा, अगले ही चौराहे पर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। वहीं गाजीपुर में मासूम के हत्यारे को पुलिस ने सबक सिखाया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मासूम बच्चे की हत्या करने वाले की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया मोड़ पर यह मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला गहमर थाना क्षेत्र के देवल गांव का है, जहां 21 फरवरी को पड़ोसी के घर से बक्से में 19 फरवरी से लापता 9 वर्षीय मासूम बच्चे का शव बरामद हुआ, जबकि हत्यारोपी पड़ोसी घर से गायब था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। अब फरार चल रहे हत्यारोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले पर एसपी ओमवीर सिंह ने जानकारी साझा की। एसपी ने बताया कि देवल गांव का एक 9 साल का बच्चा अपने घर के पास क्रिकेट मैच देखने गया था। 19 तारीख की दोपहर 3 बजे वह कहीं गायब हो गया। परिजन ने उस बच्चे की तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जब बच्चा नहीं मिला तो परिजन ने गहमर थाना में बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजन की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। इस बीच लापता बच्चे की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। बच्चे के घर के पड़ोस में रहने वाला संजय नट संदेह के घेरे में था, क्योंकि वो तब से ही फरार चल रहा था। वही जांच के दौरान संजय के घर से एक बक्से में बच्चे का शव बरामद हुआ। परिजन ने मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास का भी आरोप लगाया है। पुलिस इस एंगल से भी इस पूरे वारदात की तहकीकात कर रही है। फिलहाल आरोपी संजय नट को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है। और अब बात इटावा की। जिले के बलरई इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इनमें 2 बदमाश फिरोजाबाद जनपद के रहने वाले और 1 इटावा जिले का ही है। वह बदमाशों का एक साथी मौके से बाइक समेत फरार हो गया, यानी कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बदमाशों ने 10 दिन पहले एक बैंकिंग प्वाइंट के संचालक के साथ रात चलते लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं आज पुलिस को सूचना मिली कि चारों बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने के फिर से फिराक में हैं। मुखबिर की सूचना मिलते ही बरलई थाने की पुलिस, क्राइम ब्रांच और कई इलाकों की पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस भोगनीपुर नहर से सटे नगला राम सुंदर गांव की मोड़ के पास थी, तभी 4 बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर निकले। पुलिस ने घेराबंदी करने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायर झोंक दिया। पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों के पैर में गोली चला गई। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने अपने नाम इटावा के लोकेंद्र प्रसाद, फिरोजाबाद के सतीश और फिरोजाबाद के ही रहने वाला राहुल बताया, जबकि चौथा बदमाश छोटू बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था। वहीं पुलिस ने मौके से मिली बाइक के बारे में बताया कि बदमाशों ने 10 दिन पहले ही लूट की घटना को अंजाम देने में भी इस बाइक का इस्तेमाल किया था। और इटावा के बाद अब बात बुलंदशहर की। यूपी के बुलंदशहर में हुई एक मुठभेड़ के बाद कार चोरी करने वाले गिरोह के 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी गाजियाबाद, दिल्ली और गुरुग्राम से आसपास से कार चोरी कर औने पौने दाम पर बेच देते थे।
दस्तावेज ना देने पड़े इसके लिए वह कार की नंबर प्लेट ही बदल देते। पुलिस ने इन 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने अलीगढ़ रोड किंग शर्मा होटल के पास से 3 कारें भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस स्क्वाड टीम और छतारी पुलिस ने चोर गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तारी कर चोरी की 8 कारें बरामद की है। गिरोह के एक सदस्य पर 25,000 और दूसरे पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि गंगावास पुलिस के पास बदमाशों की लोकेशन मिली थी। ये लोग हाईटेक असलहों से लैस थे, लिहाजा गिरफ्तारी के दौरान दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान 3 बदमाश भाग निकले और बाकी को गिरफ्तार कर छतारी पुलिस ने वाहन चोर गैंग का गिरफ्तार किया था। क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से चोरी क्या करते हैं? थाना छतारी और एसओजी बुलंदशहर के संयुक्त ऑपरेशन में एक 5 सदस्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, जिनके गिरफ्तारी के दौरान इनके 5 से 8 चारपहिया वाहन बरामद हुए। इसमें विभिन्न तरीके के व्हीकल्स जैसे कि ऑल्टो, अर्टिगा, इको, ब्रेजा इत्यादि गाड़ियां इनके पास से बरामद हुई हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये विभिन्न स्थानों पर जाकर रेकी कर वहाँ के वाहन चोरी करते हैं और वाहन चोरी करने के बाद एक सिमिलर नंबर प्लेट जो कि उस गाड़ी की के ही मेक और मॉडल की नंबर प्लेट हो वो लगा करके चलाते हैं ताकि किसी को कोई संदेह ना हो, और साथ ही ये उसका चेजी नंबर भी टैम्पर कर देते हैं ताकि चेकिंग के दौरान ये पकड़े ना जाए। इनके पास से इन 8 बरामद वाहनों को विभिन्न FIR से कनेक्ट कर लिया गया है। इनके पास से कुछ अवैध असलाह भी बरामद हुआ है। इन सभी के साथ इनको गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनमें से 2 ऐसे अपराधी हैं जो पूर्व में जनपद बुलंदशहर से वांछित चल रहे थे और इनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था जो कि गिरफ्तार आज किए गए। इनके कुछ साथी भी फरार हैं? देखिए, ये लंबा चौड़ा एक गिरोह है, इनके अन्य और साथी हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी मिली है, उस पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। वहीं यूपी में आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। लोगों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर गैंग के साथ पुलिस एसओजी टीम सर्विलांस की टीम की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। कुल 3 बदमाशों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। शातिर बदमाश लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। शातिर बदमाश लोगों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की घटना को अंजाम देते थे और फरार हो जाते थे। आगरा सर्विलांस टीम काफी समय से इन शातिर बदमाशों को ट्रैक कर पकड़ने की कोशिश कर रही थी और पुलिस को आखिर शातिर बदमाशों की लोकेशन मिल गई। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में शातिर बदमाशों की लोकेशन सर्विलांस टीम को मिली, जिस पर पुलिस और सर्विलांस टीम ने एक साथ मिलकर बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को घेरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी और आत्मरक्षा में पुलिस ने फायर किया और 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। कहा जा रहा है कि मिर्ची पाउडर आंखों में डालकर लूट की घटनाओं को अंजाम देने में ये गैंग बहुत ही माहिर था, लेकिन इस गैंग को आखिरकार पुलिस ने पकड़ ही लिया। आगरा सहित अन्य जनपदों में लोगों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि 1 बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के कब्जे से हथियार और लूट के करीब 42,000 रुपए बरामद हुए हैं। वही घायल बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। एसीपी सुकन्या शर्मा ने बताया कि यह शातिर गैंग मिर्ची पाउडर आंखों में डालकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। सर्विलांस की टीम लगातार इस गैंग को ट्रैक कर रही थी और पुलिस को थाना खंदौली क्षेत्र में इस गैंग की लोकेशन मिली, जिस पर घेराबंदी की गई तो जान से मारने की नीयत से पुलिस पर ही इन बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायर किया और 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद मौके से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। तो यूपी पुलिस ने बदमाशों और अपराधियों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से बदमाशों में दहशत का माहौल कायम है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
कोई दौड़ न कोई